तो अभिनेता सनी देओल के फैंस उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 का इंतजार काफी बेसब्री से कर रहे हैं। उनकी ये फिल्म काफी लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है। फिल्म से जुड़े वीडियोज और फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। ये वीडियोज और फोटो देखने के बाद सनी देओल के फैंस का गदर 2 के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए फिल्म से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। इस खबर में बताया जा रहा है कि अब गदर 2 की शूटिंग पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है, जिसके बाद अब सबसे पहले फिल्म के ट्रेलर पर एडिटिंग का काम किया जाएगा। बताते चलें, वैसे तो गदर 2 की शूटिंग है वो दिसंबर में ही कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन इसके कुछ सॉन्ग्स की और बचे हुए कुछ फाइटिंग सीन्स की शूटिंग है वो कश्मीर में होने के लिए बाकी थी, जो अभी शूटिंग को भी कंप्लीट कर लिया गया है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर ने दी है। उन्होंने बताया कि अब गदर 2 की शूटिंग वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है और बहुत जल्द आप सभी को गदर 2 का ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद गदर 2 के फैंस है वो काफी ज्यादा खुश हो गए और सोच रहे हैं कि यार अभी गदर 2 नहीं तो कम से कम इस फिल्म का ट्रेलर तो देखने को मिल ही जाएगा। फिल्म में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। वहीं बुक माई शो पर लोगों की दिलचस्पी से जुड़े लाइक्स को देखें तो ये लाइक्स करीब करीब 34,000 से पार हो चुके हैं। तो इस तरह से गदर 2 के लिए लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखकर फिल्म के निर्माता अंदाजा लगा रहे हैं कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद कम से कम 400 या 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन आराम से कर लेगी। वैसे आप सभी को क्या लगता है कि गदर 2 रिलीज होने के बाद कितना कलेक्शन कर सकती है? अपनी अपनी राय कॉमेंट जरूर करेगा। जो दोस्त चैनल पे पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।